हमारे यहाँ एक ये बिल्डिंग बनी हुई थी पंचायत घर, तो जब से बनी अब से 10-15 साल पहले बनी हुई है। तो कहा गया था कि यहाँ पे शादी वगैरह गांव वालों की होगी तो इसमें खाना वगैरह बना सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं, लेकिन आज तक इसके अंदर ना तो कोई बर्तन है, ना कुर्सी है, ना ही तो कोई MLA आके बैठा है, कोई मीटिंग नहीं हुई, पंचायत की मीटिंग होती है वो भी इसमें नहीं है। तो बिल्डिंग की ऐसी हालत है वो गिरने वाली है। इसकी जगह पे अगर कोई हमें यहाँ गांव में शाहपुर है, गुतरी है, सर इस्लामाबाद, ये बहुत बड़े गांव हैं, कस्बा है, अगर कोई हॉस्पिटल बन जाता तो अच्छा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर इसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया। अभी बच्चे हमारे हैं यहाँ पे, आइस कंट्री है, लेकिन प्राइमरी स्कूल अगर होता तो अच्छा था, बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में दूर जाते हैं। तो ऐसी जगह पर यह बना दी है, अगर कल कोई गैर आदमी आके इसमें घुस जाएगा तो गाँव वालों को परेशानी बन रही है। लेकिन गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, अगर हमें हॉस्पिटल यहाँ पे दे दें तो सबसे अच्छा है, गरीब आदमी है, बॉर्डर एरिया है, तो इसमें यही परेशानी है गांव वालों को सबको। मैंने देखा वहाँ पे एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बना हुआ है, काफ़ी सी दुकानें बनी हुई, तो कभी वो दुकानें खुली, कभी वहाँ पे कोई मार्केट बनी? बारिश जो है ना बाहर कम गिरती है, लेकिन वो दुकानें कम्प्लेक्स जो भी बना हुआ है उसके अंदर पानी ज़्यादा आता है, उसमें सीमेंट ही नहीं डाली तो पानी कहाँ से रुकेगा। ये सर 2002 में बना था, उसके बाद इसमें चौकीदार लगाना था, वो भी किसी ने लगाया नहीं, लेकिन बनाने वालों ने ऐसा बनाया है उस सीमेंट की जगह मट्टी डाल के वो बना दिया, उसके बाद जो भी डाला बनाया जैसे भी बना दिया, खड़ा कर दिया दीवारें, उसके बाद इसमें चौकीदार कोई नहीं और देखने वाला उधर कोई नहीं, आज तक उसमें शादी वगैरह कोई भी कुछ हुआ नहीं, तो उसकी हालत ऐसी कर दी है जैसे बाथरूम की भी नहीं होती, बाथरूम को भी लोग संभाल के रखते हैं, उसको ऐसे भी नहीं संभाल, उसके अंदर रात तो रात है, दिन में भी जाने के लिए आदमी का जी नहीं करता, दरवाजे उसके तोड़े हुए हैं, शीशे तोड़े हुए हैं, उसकी बहुत बुरी हालत है। इसकी जगह हम लोगों को छोटा सा हॉस्पिटल इस इस्लामाबाद में दिया जाता तो हम लोग यहाँ से पूंछ जाते हैं, पूंछ से यहाँ आते हैं, एक आदमी मरीज को लेके जाएंगे उसके लिए 3000 रुपया गाड़ी भाड़ा चाहिए, तो इसलिए इसकी हालत ऐसी कर दी है जहाँ जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो वहाँ पे आज तक कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन नहीं हुआ, कोई भी उसमें बैठने का दिल नहीं कर रहा है, शादी कैसे होगी। जांच कर रहे हैं बनियाना है, कितनी देर तो बनियाना है उसने ये काफी अरसा होया बनिया में, इसी छड़े फंडा दा गिदड़ी रहने ने और के रहने जी, कोई जाना ही नहीं, कटसी ने धंधा बनाया हुआ उठा है ही नहीं कोई जी। हां ये आबादी जड़ी है उसने नजदीक कोई आबादी नहीं, कोई आबादी नहीं है उसने जी, एक मकान है वो ऊपर है दूर दूर मकान, और कोई इसने हालत कदू नहीं है, दस भी कोई शादी नहीं बनाया ने उठा, कोई गया ही नहीं ना उठा, का काम होया ना कुछ सिरों कुछ नहीं, कोई शादी वगैरह उस पे कोई शादी कोई कख नहीं होया उठा, कोई नहीं गया जी। हां सही के लगना है कि ए बेला बनया, ए ठीक बनया, असा ही ठीक लगना होया दा उठा फिर जाना, कोई बैसन उठना वगल है ही नहीं, ठीक ना बनया वो जी, मल्ले भी चाहिए से मल्ले भी चाहिए नहीं, वो अजाड़ जगह में आया उठा छड़े फंड दा गिदड़ी बोलने, और कुछ बोलना ही नहीं, और कोई बंदा जाना ही नहीं। सरहदी जिला पूंछ के गांव इस्लामाबाद में मेरे पीछे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो मॉडल विलेज इस्लामाबाद में 2009 को RDD के तहत तामीर किया गया था, लेकिन आवाम के कहने के मुताबिक यहाँ पे एक दिन के लिए भी कोई दुकान ओपन नहीं की गई, क्योंकि इनकी हालत ये है कि बारिश का पानी जितना बाहर उतना दुकान के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दूसरी वजह यह भी है कि ये ऐसी जगह में तामीर किया गया है जहाँ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान भी नहीं। इसी के साथ 2009 में यहाँ पे एक मैरिज हॉल भी तामीर किया गया था जिसकी हालत इतनी खस्ता है कि इंसान तो इंसान, हैवान भी उसके अंदर जाने से घबराता है। मैं हूँ शराज सिकंदर, इस्लामाबाद पूंछ से, कश्मीर अनहट के लिए।